हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो के अंदर। तो आज हम एलईडी रिपेयर करना सीखेंगे जो कि आपके सामने है, कि हम इसको ऐसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर फॉल्ट आता है। तो आज हम इसके अंदर क्यों फॉल्ट आता है, किस तरह हम रिपेयर करेंगे, यही जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। देखिए दोस्तों, अगर आपको करना आता है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जिस भाई को नहीं आता वो सीखना चाहता है तो एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, इसके अंदर नॉर्मली क्या फॉल्ट होता है, एक तो इसकी सप्लाई लगी होती है, इसके अंदर चार डायोड और दो पॉलीस्टिक कैपेसिटर लगे होते हैं बस, और दो रेजिस्टेंस लगी होती है, ठीक है, और कुछ नहीं। ये एसी से डीसी करंट, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, ज़्यादातर फॉल्ट इसके अंदर नहीं रहता, बल्कि इसके अंदर पानी जाने के बाद ही इसके अंदर फॉल्ट होता है, और ऐसे इसके अंदर फॉल्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो बल्ब है इनकी कैपेसिटी देख के ही तो लगाया गया है। तो हम इधर करें कि क्या इसके अंदर ये पाई या अंदर और फॉल्ट। तो देखो, हम सबसे पहले इन कर लेते हैं, लाइट की सप्लाई देते हैं। तो देखिए, हमने सप्लाई है, अभी देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, पावर तो इसके अंदर आ रहा है, एक बार आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये एलईडी इस तरह से जल रही है, तो इससे पता चलता है कि पावर सप्लाई तो ओके है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी एक एलईडी या दो भी हो सकती है जो कि फॉल्ट है। तो हम इसको एक एक करके चेक करेंगे, तो देखते रहना। हम एक सिरा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बीच से स्टार्ट करेंगे तो हम जल्दी क्लियर नहीं कर पाएंगे, बट कोई बात नहीं, हम एक सिरे से करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी कहीं डेकोरेशन पे गए हो, अगर वहाँ भी फॉल्ट हो जाए तो आप इसको आसानी से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको बता दूँ कि हम इसका एक सिरा लेंगे। देखिए दोस्तों, पता नहीं चल रहा है कहाँ घुस गया, चलो ठीक है, मिल गया, ठीक है। ये एक सिरा ले लिया हमने, ठीक है, हम इसको चेक करेंगे, इसके अंदर तो आ रहा है, ठीक है। देखिए, दूसरे के अंदर आ रहा है और तीसरे के अंदर भी आ रहा है, और ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर फॉल्ट लग रहा है शायद, हम इसको चेक करेंगे बस, ठीक है। इसको चेक करने के लिए दोस्तों हमारे पास टेस्टर या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि हम उसको आसानी से पकड़ सकें और हमारे को कोई भी शॉक सर्किट लगने का डर भी न हो। तो देखिए दोस्तों, हमने एक, ये मेरे पास मल्टीमीटर है और इसकी पिन से हम इसको डायरेक्ट करेंगे इस एक एलईडी को, ठीक है। तो पता चल जाएगा, अगर इसके अंदर भी फॉल्ट होगा तो ये जल जाएगी, अगर नहीं होगा तो ये नहीं जलेगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये एक ही एलईडी इसके अंदर फॉल्ट थी, तो ये आसानी से जल चुकी है। और अगर आप भी इस तरह फॉल्ट देखोगे तो ये देखिए क्लियर हो गया है, बट कोई बात नहीं, आपके पास एलईडी अवेलेबल हो तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं हो तो यहाँ से आप इस दोनों सिरे को देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो सिरे बने हुए हैं, देखिए एक और ये दूसरा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली करेंगे तो ये जल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, हम इसको डायरेक्टली नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे शॉप पे ही रिपेयर कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक एलईडी डाल देंगे ताकि ये सही तरीके से वर्क करे। इसे आपके पास नहीं हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अगर आप ही दिवाली पर एलईडी या डेकोरेशन लाइट लेना चाहते हो, नॉर्मली करवाना चाहते हो, तो आप हमारे नज़दीक से हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबरों से। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और नए टॉपिक पर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।